इस वक्त की बड़ी और सनसनी खेज खबर आपको अजमेर से दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, जहां पर शिक्षकों की मांग को लेकर हाशियावास ग्रामीणों ने दिया विद्यालय पर तालेबंदी। जानकारी के लिए बता दें कि अजमेर जिले की ग्राम पंचायत बबाईचा के हाशियावास गांव में बबाईचा सरपंच हरिकिशन गुर्जर के नेतृत्व में ग्रामीणों की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हाशियावास में शिक्षकों की कमी को लेकर तालाबंदी की गई। जानकारी के अनुसार सरपंच हरिकिशन गुर्जर ने बताया कि एक वर्ष में कई बार लिखित में सूचना देने के बावजूद आज तक विद्यालय में 4 स्टाफ से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसी को लेकर आज ग्रामीणों की ओर से 12वीं तक स्कूल होने के बावजूद भी 4 शिक्षक होने पर ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिला। इसी को लेकर आज स्कूल प्रशासन के खिलाफ स्कूल पर तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन दिया गया और साथ ही साथ स्टाफ की कमी की मांग को पूरी करने पर अजमेर कलेक्टर पर धरना देने की मांग की गई है। हमारे स्कूल में स्टाफ की कमी है। अभी वर्तमान में 12वीं स्कूल है और 4 स्टाफ आ रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा स्टाफ पूरा हो। हमने 2-3 बार चीफ सर को भी बोला है, पीओ सर को भी बोला है, आज भी बोला है। ग्रामीणों की मांग थी कि यहाँ की 2-3 बार हमने रोका है तालाबंदी से, लेकिन हम समस्या दूर नहीं हो पाई, इसलिए आज ग्रामीणों को नहीं मान पाए और हमने तालाबंदी करी है। हमें स्टाफ पूरा चाहिए। स्टाफ आने के बाद ही तालाबंदी खोली जाएगी, नहीं तो तालाबंदी नहीं खोली जाएगी। अभी कितने स्टाफ हैं? अभी 4 स्टाफ हैं हमारे पास। 338 बच्चे पढ़ रहे हैं अभी और आज 10 जनों ने टीसी कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे दी है। हम मेरे सामने दिए। आपका नाम? हरिकिशन गुर्जर, सरपंच ग्राम पंचायत बबाईचा। मैडम बताइए आप। ये विद्यालय पहले मिडिल था, मिडिल के बाद सेकेंडरी हुआ और सेकेंडरी होने की वजह से जो स्टाफ था वो स्टाफिंग पैटर्न के तहत यहाँ से रिलीव होकर चला गया राज्य सरकार के आदेश अनुसार, और अब ये स्कूल हो गई है हमारी सीनियर सेकेंडरी। लेकिन वर्तमान में हमारे पास हम 4 ही स्टाफ हैं और ग्रामीणों की भी मांग है। इससे पूर्व हमने भी हमारे जिला शिक्षा अधिकारी को, हमारे सीबीओ मैडम को और डायरेक्टर साहब को भी हमने मेल किया है कि हमारे पास स्टाफ की कमी होने की वजह से यहाँ पर अव्यवस्थाएँ, हम चाहते हैं अव्यवस्था नहीं हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी की वजह से हो रही है। जबकि इस बार स्टाफ कम होने पर भी हमने 87.7% रिजल्ट हमारे विद्यालय का रहा। इसके लिए पूरा स्टाफ मेरा, मैं उनकी आभारी हूँ कि जिन्होंने समय के बाद भी रुक रुक के इन बच्चों के लिए इतना अपना समर्पण के साथ काम किया। लेकिन जो अब जायज मांग है उसके लिए तो मैं भी हमारे अधिकारियों से, हमारे जो भी पॉलिटिशियन है, हमारे राजनेता, उनसे निवेदन करूंगी हमारी जो भी स्टाफ हैं उसको लगाएं तो ये व्यवस्था और भी अच्छे सुचारू रूप से चल सके। आपका नाम? डॉक्टर समित।